जामताड़ा सदर अस्पताल और विवाद एक दूसरे के पर्याय हैं। एक ओर एक कैंसर पीड़ित मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण परिजन ठेले पर ढोकर ले गए और आखिरकार एम्बुलेंस मिला भी तो उसकी जान चली गई। वहीं दूसरी ओर एक कोरोना संदिग्ध 2 घंटे तक शहर में भटकता रहा लेकिन उसे क्वारंटाइन सेंटर नहीं मिला। आखिरकार उपायुक्त को मामले का संज्ञान लेकर निर्देश देना पड़ा, तब जाकर उसे उदल स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती किया जा सका। एम्बुलेंस मरीज को लेकर इधर से उधर भटकता रहा पर एम्बुलेंस चालक को पता ही नहीं था कि जामताड़ा में क्वारंटाइन सेंटर है कहां। दुलादी कस्तूरबा विद्यालय भेजा गया तो वहां पता चला कि वहां कैंसिल है, पेशेंट को वहां रखने के लिए कैंसिल किया गया। तो फिर उसने बोला कि मिडिल स्कूल जो इंदिरा चौक के पास मिडिल स्कूल है वहां पर रखने का आदेश है। जब मैंने पेशेंट को लेके आया यहाँ तो अभी तक ना कोई स्वास्थ्य कर्मी है, ना कोई स्टाफ है, ना कोई नहीं है। मैं मरीज को करीब 2 घंटा से लेकर घूम रहा हूँ कस्तूरबा गांधी से लाके फिर यहाँ चौक पर खड़ा हूँ। अभी तक कोई स्वास्थ्य कर्मी भी नहीं है और कोई भीतर व्यवस्था भी नहीं। डीएस को मैंने अभी चेतावनी दी है कि कम से कम जब आप भेज रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में तो वहाँ आपको समन्वय स्थापित करते हुए मरीज को भेजना चाहिए था। वहाँ की क्या स्थिति है ये जानकारी रखकर आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो उसके बाद मैंने पहल करके अभी तत्काल उसको कोविड हॉस्पिटल भिजवा दिया है लेकिन आज उसको व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जेबीसी स्कूल में हो अथवा बालिका मध्य विद्यालय के परिसर में हो आज से क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था पुनः चालू। और ज्यादा जानकारी लेंगे, देवेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। देवेश देखिए, जामताड़ा की आज 2 खबर सामने आई और दोनों ही जो खबर है उसे लेकर कई सारे सवाल उठते हैं। एक खबर जो पहले आई कि एम्बुलेंस ना मिलने के कारण एक कैंसर पीड़ित की मौत हो जाती है, एम्बुलेंस मिलता भी है तो काफी देरी के बाद मिलता है, और दूसरी खबर ये कि जो कोरोना संदिग्ध मरीज है वो उसको जो है क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराने को लेकर लगातार जो है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भर्ती के लिए वो भटकता रहा लेकिन उसे जो है भर्ती नहीं कराया जा रहा। क्या कुछ ये पूरा मामला है, सबसे पहले तो यही जानकारी दे, क्या अभी जो है संदिग्ध मरीज को आइसोलेशन या फिर क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करा दिया गया है? जी, संदिग्ध मरीज को जो है अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है लेकिन कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं दिख रही है। आए दिन इस प्रकार की घटना घटित होती रहती है। बता दें कि कुछ 10 या 15 दिन पहले हमने एक खबर चलाया था कि कोरोना पेशेंट जो है संदिग्ध मरीज जो है अस्पताल के आसपास 3 घंटा भटकते रहा फिर भी उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती नहीं कराया गया था। यही मामला आज फिर दोबारा सामने आया है कि एम्बुलेंस के चालक को बोला गया कि आप दुलाड़ी स्थित क्वारंटाइन वार्ड में उसे भर्ती कराएं। वहां जाने के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर को बोला गया कि वहां पे नहीं, बोर्ड स्कूल में जाके भर्ती कराया जाए। जब बोर्ड स्कूल में एम्बुलेंस चालक गया उसके बाद वहां बोला जाता है कि यहाँ भर्ती नहीं होगा, वहां कोई व्यवस्था बोर्ड स्कूल में नहीं था। जिसके बाद जो है उपायुक्त को इस बात की जानकारी दी गई, उसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर उस व्यक्ति को संदिग्ध व्यक्ति को उदलवनी स्थित डेडिकेटेड अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इसमें झलक रही है। स्वास्थ्य विभाग का जो नीति जो है अस्पष्ट नहीं है, जिसके कारण सबसे बड़ी बात है कि जो ये संदिग्ध मरीज जो है कलकत्ता से आया है और कलकत्ता से आने के बाद उस मरीज ने अपनी जिम्मेवारी को समझा और इलाज अपने आपको क्वारंटाइन करने के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल पहुंचा। उसके बाद मरीज को बिना खाए पिए 2 घंटा रखा गया है, घुमाते रहना कहाँ का न्याय है। जी बिल्कुल देवेश, बड़ी लापरवाही ये सामने आई है जिस तरीके से संदिग्ध मरीज है ये। अगर सोचिए अगर ये कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो और कहां कहां ये भटका है, अगर इसके अंदर कोरोना संक्रमण पाया जाता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कई सवाल उठते हैं देवेश। पूरी जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग की होगी। हालांकि चालक ने डीएस अस्पताल उपाधीक्षक से बात करने की प्रयास भी किया था लेकिन अस्पताल उपाधीक्षक ने स्पष्ट नीति नहीं बताया कि कहां ले जाना है, क्या करना है। अंत में एक मीडिया कर्मी के हस्तक्षेप से उपायुक्त को जानकारी दिया गया, अगर संदिग्ध मरीज पॉजिटिव पाया जाता है तो आपको अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितने लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं। तो देवेश सवाल यहाँ यही उठता है कि स्वास्थ्य विभाग आखिर सोया क्यों है, क्योंकि पहला मामला ये नहीं है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं तो आखिर इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता है, इस ओर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? जी, पूरी तरह नतीजा है सही मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण। एक
सही रणनीति नहीं बनने के कारण जो है इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर फिर भी ध्यान नहीं दिया गया स्वास्थ्य विभाग की ओर से तो जामताड़ा जिला का स्थिति बद से बदतर होगी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह जिम्मेवार होगी। जी चलिए देवेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि जो है एक संदिग्ध मरीज 2 घंटे तक भटकता रहा, लेकिन उसे जो है कोविड सेंटर में भर्ती नहीं कराया गया। अगर इस संदिग्ध मरीज में अगर कोरोना संक्रमण होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? आखिर स्वास्थ्य विभाग अब तक क्यों सोया हुआ है?